नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अजीत यादव ट्रिकी मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो आपका पेपर हुआ है यूपी टेट का, उसमें जो गणित के प्रश्न पूछे गए थे उससे संबंधित जो सवाल पूछे गए थे गणित के, उसको कैसे आप हल कर सकते हैं एकदम से बहुत आसानी से, मैं आपको ट्रिक से हल करना सिखाऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। जानिए, अगर आप इसी प्रकार से आने वाले आगामी परीक्षाओं में आप इसी ट्रिक से हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब, जो रेड कलर का आ रहा है उसको सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार से मैं प्रश्नों को, हर एक प्रश्न को आपको ट्रिक से समझाऊंगा कैसे वहां पर आप बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, इसका दो वीडियो बनाएंगे, पहला वीडियो ये है और इसका एक पार्ट और बनेगा, जिसमें से सभी प्रश्नों को मैं ट्रिक से हल करना आपको सिखा दूंगा कि ऐसे प्रश्न को बहुत कम समय में अच्छे ढंग से सटीक आंसर आप निकाल सकते हैं। जितने भी लोग हमारे चैनल से पढ़े होंगे अच्छे ढंग से इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर से जरूर किए होंगे। तो आइए यहाँ पर हम इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। इसका मैंने वीडियो बना करके बता दिया हूं कि कौन सा विकल्प किसका सही है। अब इसमें हम इस वीडियो में इसको हल करके बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन किसका किस प्रकार से लगाया जा सकता है एकदम ट्रिक से। चलिए, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जरूर से जरूर, तभी आपको अच्छा लगेगा, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर से जरूर। तो चलिए, यहाँ से यदि इसका पहला सवाल दिया गया था, यदि पहला सवाल देखेंगे, यदि मस ए कामा आठ, यानी कि ए कामा आठ बराबर चार और लस है ए कामा आठ बराबर 24, तो ए का मान याद कीजिए। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही आसान था। आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या यहाँ पर देख रहे हैं कि ए है, पहली संख्या यहाँ पर ए है, और दूसरी संख्या देख रहे हैं आठ है, जिसका लघुत्तम समापवर्तक आप देख रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि महत्तम समापवर्तक चार है और लघुत्तम समापवर्तक बताया जा रहा है कि 24 है। आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या यहाँ ए है, दूसरी संख्या आठ है, महत्तम समापवर्तक चार है, लघुत्तम समापवर्तक 24 है। तो आप यहाँ से ए का मान, यानी कि आपको निकालना था क्या, यहाँ से आपका ए का मान निकालना था, तो यहाँ से चार गुणे 24 और बटे में आठ अगर कर देते तो चार दूना आठ हो जाता, इसका भाग यहाँ करते तो ए बराबर आपका 12 आंसर निकल जाता है। दोस्तों, ये आपका इसका आंसर 12 हो जाता है, ए का मान 12 हो जाता है। बस इतना ही करना था, आसानी से आप कर लिए होते। चलिए, जितने लोग किए होंगे सही है, जितने लोग नहीं अभी इसको मिला पाए हैं उसको मिला लीजिएगा। दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे, इसमें दिया गया है एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। एक सरल रेखा अगर हम इस प्रकार से ए बी कर दें, इस पर स्थित बिंदुओं की संख्या जो होती है दोस्तों अनंत होती है, अनंत असंख्य जिसे कह सकते हैं, अनंत इसके बिंदुओं की संख्या का आप गिन नहीं सकते हैं, इस पर अनंत होती है। तो उसमें दिया होगा ऑप्शन कि इसमें एक रेखा पर जो है, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इसका अनंत बिंदु उसमें ऑप्शन में रहा होगा। चलिए, तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि 10 रुपए के 6 की दर से केला खरीद कर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने से कितने प्रतिशत का हान होगा, कितने प्रतिशत का हानि होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर रुपया दिया है, आर लिख लीजिए रुपया, आर दर आपका यहाँ से डी हम कर देते हैं, 10 रुपए में 6 की दर से, 10 रुपए में रुपए के नीचे रुपये लिखिए, दर के नीचे दर लिखिए, और आगे क्या कह रहा है कि 6 रुपए में 4 की दर से, अब यहाँ पर 6 रुपए में 4 की दर से, इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से लिखिए और इसका गुणा यहाँ करिए, 10 चौक आपका 40 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा, 40 में से आप 36 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब पूछ रहा है कितने प्रतिशत का हानि होगा, प्रतिशत हानि, प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रयमूल, हानि आपका 4 हो रहा है गुणे आपका 100 बटे आपका क्रयमूल, क्रयमूल मतलब यहाँ से 40 आप कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा आपका 10% सॉरी 10% का क्या हो गया, हानि हो गया। विकल्प में रहा होगा कि 10% का हानि, 10% उसको क्या होगा, हानि होगा। इस प्रश्न को आप इस तरह से करते तो बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आप कर लिए होंगे। अगर जितने लोग हमारे चैनल से पढ़े होंगे वो जरूर से जरूर इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से बहुत कम समय में किए होंगे। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें,
कि कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। एक आयत की लंबाई में 60% के अगर वृद्ध कर दिया जाए तो उसके चौड़ाई में कितने परसेंटेज की कमी किया जाए कि उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। ऐसे प्रश्नों को मैंने वहां से परसेंटेज यानी कि आयत के परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। तो यहाँ से देखिए उसके चौड़ाई में होने वाले परसेंटेज की कमी, ऐसे प्रश्नों को आपको लगाने के लिए इसमें कह रहा है 60%, 60% की वृद्धि कर रहा है तो 60 आप यहाँ लिखिए, फिर आप क्या कर रहे हैं 60% की वृद्धि कर रहा है तो अपने आप में चौड़ाई उसकी 100% पहले से रही होगी। 60% वृद्धि हो रहा है तो 160% रहेगा, बटे में 160 और गुणे में 100। यही आप हल कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। यहाँ से जीरो कट जाएगा, दो से काटेंगे दो तिहाई 6 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ से 8 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से आप 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यह 4 से 2 हो जाएगा। 25 तिहाई 75 हो जाएगा आपका, और बटे में 2 इसको भाग देंगे ये आपका आ जाएगा 37.5%। मतलब उसके आयत की चौड़ाई में 37.5% की कमी होगा तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपके ऑप्शन में रहा होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में कर लिए होंगे अगर आपने हमारे चैनल से पढ़े होंगे तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा जो प्रश्न इसका दिया था, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल यानी कि संख्याओं का x प्लस y का योगफल क्या है, 5 है, और संख्याओं का गुणनफल x y आपका 36 है। तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल यानी कि पहली संख्या x है तो x का व्युत्क्रम होगा 1/x, और दूसरी संख्या y है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/y। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो x y हो जाएगा, x x कट जाएगा, y हो जाएगा माइनस हो जाएगा, y से y कट जाएगा, x हो जाएगा। x माइनस वाई यानी कि संख्याओं का अंतर यहाँ से संख्याओं का अंतर बताया जा रहा है कि ये दो संख्याओं कहाँ गया, दो संख्याओं का आपका अंतर बता रहा है ना, दो संख्याओं का अंतर यहाँ से हमने योग कर दिया था, यहाँ दो संख्याओं का अंतर 5 है। अब देखिए संख्याओं का अंतर 5 है तो संख्याओं का अंतर 5 रख दीजिए, और संख्याओं का गुणनफल आप देख रहे हैं कि 36 है, 36 रख दीजिए। मतलब कि उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल जो होगा 5/36 होगा, 5/36 होगा, ये ऑप्शन में आपका रहा होगा। तो इस प्रकार से इस तरह से आप इसको आप हल कर लिए होंगे यदि आप पढ़े होंगे तो हमारे चैनल से। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि अगला सवाल इसमें दिया क्या गया था। अगला सवाल इसका इसमें दिया है 0.01 के पावर 2 को प्रतिशत के रूप में लिखने पर, प्रतिशत के रूप में लिखने पर, यहाँ ऑप्शन मैंने दे दिया हूँ। जो ऑप्शन दिया था पहला ऑप्शन था 0.01%, दूसरा बी वाला था 1/100, तीसरा आपका 1%, और चौथा आपका 1/100%। तो प्रतिशत के रूप में कह रहा है, तो प्रतिशत के रूप में कह रहा है तो ये आप देखिए प्रतिशत में है नहीं, ये तो हट जाएगा, पहले से बी वाला हो नहीं सकता, कूट के रूप में था उसमें पूछा गया होता। तो चलिए इसको हम हल करते हैं 0.1.2, पहले उसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे स्क्वायर पे है तो ये हो जाएगा 0.00 आपका 1, क्योंकि इसका जो वर्क करेंगे तो 4 संख्या पर आपका लगना चाहिए पॉइंट, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज के रूप में लिखना है, परसेंटेज यानी कि बटे में 100, परसेंटेज अगर 100 करते हैं तो 2 जीरो से आप भाग देंगे, 2 जीरो से आप दशमलव इधर हट जाएगा, 2 दशमलव इधर भाग जाएगा, तो 2 अंक इधर जब भाग जाएगा 1 2 यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 दशमलव, इधर क्या बचा 1.01%। अब देखिए परसेंटेज में बन गया आपका, ये आपका हो गया, ये है आपका, ये पहला वाला आपका सही है। अभी और भी है इसमें सही, देखते हैं। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका लिखा गया है ये आपका 0.1, ये आपका लिखा गया है, इसको अगर हम ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें, 100 से गुणा कर दें तो यहां से करेंगे तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वहां पर आपका 1 रहेगा, इसके बटे 1 कर सकते हैं आप, इसका गुणा यहाँ पे 100 होगा, परसेंटेज है परसेंटेज लगा दीजिए। मतलब कि 1/100 भी इसको लिखा जा सकता है परसेंटेज। तो इस प्रकार से इसका ए वाला भी सही था यानी कि 0.0001%, और डी वाला भी सही था 1/100%। मतलब ये भी आपका सही था एक आंसर,
एक आंसर इसका भी सही था, इसका आंसर ये दोनों सही था, ए और डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो अगला सवाल दिया था, अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का मस छह है तथा लस है, यानी कि महत्तम समापवर्तक उसमें लिखा था हमने, मस लिख दिया है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक छह है, जिसे मस बोलते हैं, लस है 3432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि मस इसका दिया है 6, मस है गुणे लस है, लस है कितना है 432 है। पहली संख्या को मान लेते हैं यहाँ से P1 और दूसरी संख्या को मान लेते हैं P2। पहली संख्या यानी से एक संख्या इसमें कह रहा है कि 48 है, यहाँ से 48 कर दीजिए, यही दूसरी संख्या P2 निकालना है, और 6 गुणे आपका 432। तो यहाँ पर यह गुणा कर रहा है तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 432, और ये वहां गुणा कर रहा है, इधर आकर के भाग कर देगा, यहाँ से भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 6 48 होता है, 8 से काटेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, यहाँ से 3 बजेगा तो 32 हो जाएगा, 8 चौक आपका 32 हो जाएगा, मतलब कि दूसरी संख्या P2 बराबर आपका 54 हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को इस तरह से हल कर सकते हैं आप बहुत आसानी से, जो पूछा गया था, जितने भी लोग इसको पढ़े होंगे बहुत आसानी से इस तरह से हल कर लिए होंगे। चलिए इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसका दूसरा सवाल, आठवां जो दिया गया है दोस्तों, आठवां दिया गया है, जेड का मान ज्ञात करो। यदि संख्या 1417 जेड 7 कामा 9 से विभाजित है। देखिए 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं का मैं कंडीशन बता देता हूं कि 9 से वही संख्या विभाजित होगी, 9 से वही संख्या विभाजित होगी जब संख्याओं का योगफल 9 से विभाजित होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर 81 है, अगर कोई कहे कि 81 क्या 9 से कट सकता है, तो आप सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, दोनों संख्या है, दो संख्या है, तो 9 1 और 8 मिलकर कितना होता है, 9 होता है। क्या यह 9 9 से विभाजित होता है? बिल्कुल होता है। जब ऐसा कंडीशन जब बनता है तब तो आप कह सकते हैं कि यह 81 जो है 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। 9 का भाग करेंगे 81 में तो आपका 9 9 81 हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ से 200 288, अगर 288 को पूछा जाए कि 9 से विभाजित होगा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए 9 9 8 9 8 8 16 हो जाएगा, 16 और 2 आपका 18 हो जाएगा, तो ये 18 को जब 9 से भाग देंगे तो 9 दुनिया 18 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये कंडीशन जब बन रहा है तो ये 9 से भी विभाजित होगा, इसको काट दीजिए तो ये आपका 9 3 आपका हो जाएगा 27, 1 बचेगा और 9 दुनिया 18, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से इसको हम हल करके आपको बताएंगे। इसमें क्या दिया है, 41 7, यानी कि 41 है, फिर यहाँ 7 है, फिर यहाँ जेड है, फिर उसके बाद 8 है। पूछ रहा है कि क्या यह है 9 से विभाजित, 9 से विभाजित है तो ये जेड की जगह क्या होगा। देखिए इसको जोड़ दीजिए, 4 1 5 हो जाएगा, 5 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 12 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 20, 12 8 20। अब देखिए 20 के आगे, 20 के आगे वह संख्या बताइए जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित होता है, तो 9 दुनिया 18, 9 3 27, 9 3 27, 27 वह संख्या है जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। अभी 20 है पूरा जोड़ने पर इन सभी संख्याओं का, अभी 7 कमी पड़ रहा है, अगर हम यहाँ 7 लिख दें, जेड की जगह 7 लिख दें, तब ये पूरा कितना हो जाएगा सबका योगफल आपका 8 7 15, 15 और 4 15 5 20, 20 7 27 हो जा रहा है आपका। तो यानी कि जेड के स्थान पर आपका क्या होगा, 7 होगा, जेड के स्थान पर क्या होगा, 7 होगा। अगर जेड के स्थान पे हम 7 कर देते हैं तो ये आपका 9 से पूरी तरीके से दोस्तों विभाजित होगा, ये आपका ऑप्शन में रहा होगा कि जेड के स्थान पे 7 होना चाहिए, यही कंडीशन होता है 9 से विभाजित होने का कंडीशन ये होता है। तो इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, मैंने पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि 1 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं क्या कंडीशन होता है, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं क्या कंडीशन होता है, 4 से कब विभाज्य होती है, 5 से कब विभाज्य होती है, 6 से 7 से 11 से सभी को मैंने बताया है, जिससे आप बहुत आसानी से कर लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 9वां देखते हैं। 9वां जो दिया गया था, गुणनफल, गुणनफल
गुणनफल आपको दिया था 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है ये प्रश्न, और ऐसे प्रश्नों को मैं बहुत आसान सा ट्रिक बताया हूँ, 2 सेकंड में इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से हमारा वीडियो देखे होंगे तो बहुत जरूरी है, बहुत हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार को प्रश्न को बहुत आसानी से हल किए होंगे। देखिए इसका इकाई कण इसमें दिया किया गया है आपका 2153 की पावर कितना है आपका 167 में इकाई का अंक पूछ रहा है। तो देखिए इकाई का अंक, पहले इकाई का अंक आप जानते हैं स्टार्टिंग का होता है, इकाई का अंक 3 है, इसी 3 को बाहर लाइए, 3 को बाहर लाइए, 167 पावर कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, इसी को आप क्या करेंगे, 3 की पावर 4 करिए, 3 की पावर 4 करिए। अब इसी 4 का भाग हमने बताया था कि 167 में करिए, 167 में अगर 4 का भाग करेंगे तो 4 चौकुआ 16 हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा, 7 उतारेंगे 4 इकाई 4 हो जाएगा, घटाएंगे 3 शेषफल बच रहा है। अब इसके घात जो है 41 कर दीजिए, इसकी घात जो है 41 कर दीजिए। अब जो शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल बच रहा है, मतलब कि 3 की घात अभी 3 बार लगाया जाएगा, 3 की घात आपका 3 होगा। देखिए घात की घात में आपस में गुणा होता है दोस्तों, अभी हम बता रहे हैं इसका गुणा। देखिए इसमें करेंगे 4 इकाई 4 और 4 चौकुआ 16, 164 हो रहा है, 167 होने में, 167 होने में भी 3 की कमी है, इसलिए हमने 3 की घात 3 को कर दिया। तो अब 167 में 164 ये और 3 घात इसकी 167 हो जाएगी। अब इतना मान हमने बताया था कि पूरा 1 के बराबर हो जाता है, इस प्रकार से ये 1 हो जाएगा और इसकी घात 3 है, तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, इसका आप गुणा करेंगे तो आपका 27 आएगा, जिसमें इकाई का अंक आपका हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को इस तरह से आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ऐसे तो आप करेंगे 167 बार गुणा तो बहुत समय लग जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी अंक आ जाएगी। इस प्रकार से इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को। मैंने पढ़ाया है नंबर सिस्टम में इस प्रकार के तमाम सवालों को। चलिए इसका 10वां सवाल देखते हैं, जो 10 नंबर प्रश्न दिया गया है। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि मूल भिन्न जो है x/y है दोस्तों, x/y है, मूल भिन्न x/y है। अब कह रहा है कि इसके अंश में 20% के बढ़ा दिया जाए तो उसकी भिन्न जितनी रही होगी अपने आप में 100% रहा होगा। परसेंटेज को मैंने खत्म किया हूं एकदम से, 0 से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक मैंने परसेंटेज का सवाल बताया हूं। तो 0 यहां से आपका 20% बढ़ा दिया जा रहा है अंश में, तो ये आपका 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा। और इसके हर में क्या कह रहा है, 25% बढ़ा दिया जाता है, ये हो जाएगा 125% दोस्तों। जब इसको बढ़ा दिया जाता है तो यह भिन्न मिल जाती है 3/5 मिल जाती है, 3/5 मिल जाती है। हमने मूल भिन्न क्या माना है, मूल भिन्न हमने बताया है कि x/y मान लीजिए है, इसी x/y मूल भिन्न है और इसी मूल भिन्न को वह पूछ भी रहा है, तो इसको आप परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, x/y ये मूल भिन्न हो गई, तो यहाँ से 3/5 अपने स्थान पर रहेगा, 120 इधर, 125 हर में है इधर जाकर आपका अंश में हो जाएगा, और ये आपका अंश में है 120 इधर आकर हर में हो गया। 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, पुनः काट देंगे 5 से 5 = 25, 5 × 2 = 10 और यहाँ 2 बच जाएगा, 5 × 2 = 20, यहाँ से आप काट देंगे तो 30 + 21, 3 × 8 = 24। मूल भिन्न यानी कि x/y यही हमने मूल भिन्न माना था, ये हो जाएगा ऊपर 5 और हर में हो जाएगा 8। मूल भिन्न क्या थी, 5/8 थी, मूल भिन्न क्या थी, 5/8 थी। इस प्रकार के प्रश्न को इस तरह से बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए इसका अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें लास्ट का प्रश्न हम देख रहे हैं जो इस प्रश्न में दिया गया है, जो मैं यहाँ तक ले चुका हूँ। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो मैं सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में प्रोवाइड करा देता। तो चलिए 2 वीडियो बनाएंगे इसमें, कुछ एक प्रश्न और देख लेते हैं। इसमें जो दिया गया था, पार्श्व आकृति द्वारा यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति बनी थी इस प्रकार से बनी हुई है, एक आकृति इस प्रकार से बनी हुई है दोस्तों, ये आप देख लीजिए। यहाँ से रीजनिंग का सवाल था, ये यहाँ 64 लिखा गया है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है,
यहाँ आपका यक्ष है, यहाँ 8 है और यहाँ आपका 27 है। तो कह रहा है कि यक्ष के स्थान पर क्या होगा, यक्ष के स्थान पर क्या होगा, रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ से देखिए, इसके सामने जो है 2 का क्यूब करेगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो गया। 3 का क्यूब किया 27 हो गया, 4 का क्यूब किया 64 हो गया। इसी प्रकार से यक्ष का जब क्यूब करें, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब कि यक्ष के स्थान पे 1 ही होगा। 1 की घात आप चाहे जितनी बार बढ़ा देंगे, अनंत बार बढ़ा देंगे, वह 1 ही होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1 हो जाता है। दोस्तों जितना भी मैंने प्रश्न बताया हूँ दोस्तों, इतने समय जिससे आपको ज्यादा नहीं लगना चाहिए था, जितने आसानी समय में आपको बताया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले यूपी टेट में अधिक से अधिक नंबर मैं मैथ में प्राप्त करूं, पूरी गारंटी के साथ दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से गणित खत्म कर दूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जरूर से जरूर आपको मैं गणित में सबसे अधिक नंबर दिलाऊंगा, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। इसी प्रकार से मैं आपको ट्रिकी गणित पढ़ाता हूं दोस्तों। हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।